हेलो अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो जी गाइज, आज हम जा रहे हैं सी व्यू, कराची का समंदर देखने हम जा रहे हैं सी व्यू। तो मैं तो तैयार हो चुका हूँ, मैंने आप कपड़े देख लें, जूते देख लें, मैं तैयार हो चुका हूँ। और मेरे साथ जो कज़न है वो सबसे छोटा कज़न आदम मुस्तफ़ा, आ जाए आप आ जाए। ये है मुस्तफ़ा, ये भी तैयार हो चुका है। आप तैयार हो गए हैं ना? हाँ। ये तैयार हो गए, बस अभी हम सारी फैमिली तैयार होती है, फिर उसके बाद हम जाएंगे सी व्यू देखने और बहुत मज़े करेंगे। आप भी तो आओ ना बीच में। तो अभी हम जाएंगे सी व्यू देखने और बहुत मज़े करेंगे। आपको मज़ा आएगा? हाँ। ये बहुत मज़ा आएगा। और फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ ना आपके साथ। हाँ। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। जी तो जी गाइस, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ उनके साथ। तो अभी हम सब पूरी फैमिली तैयार होती है, फिर उसके बाद हम सी व्यू देखने जाएंगे और मज़े करेंगे अपने कज़न के साथ। तो जी गए, जब हम जा रहे हैं चिड़ियों की तरफ, उतर गए हैं। अभी बीच के बाद हम सीधा जाएंगे बाहर गेट की तरफ। बाहर गेट की तरफ जाते हैं, गेट की तरफ अंदर निकल, हमें निकल गए, निकल गए। अब हम आ गए बाहर, खड़े होते हैं। ये भी गाड़ी में बैठने वाले, पानी की बोतल भी साथ लेके जा रहा है अहमद। ला जा अहमद, पानी की बोतल साथ लेके जा रहे हैं। हाँ, किधर लगी? हाथ धोने के लिए। नहाने के बाद हाथ धोने के लिए। अच्छा, ये अहमद की गाड़ी है। जय मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के हाथ में चापर। अब इसको हम गाड़ी में रखे, वही नहाने में भी जा रही हूँ। वही वही रख दो, अब ये भी रख रहे हैं। बस अब ठीक है, फिर रखो ना, आप छोड़ दो। चलो अब ये भी रख दिया। अब हम किधर जाएंगे? चीवे भी जाएंगे, शाम हो गई है, नहाएंगे शाम हो गई है। अच्छा, वहाँ जाके नहाएंगे हम। अच्छा, अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं चीवे की तरफ जा रहे हैं। तो छोटा सा क्लिप ले लो उसके अंदर से, हम जा रहे हैं, तैयार होने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं चीवे। फाओ हमजा बैठे हुए हैं, हमजा की शक्ल किधर है? हमजा ये अंदर बैठा है। अभी हम जा रहे हैं चीवी की तरफ। देखो बादल भी चढ़ा था, ये तो सैमसंग का कैमरा, अच्छा लगता है आईफोन है। तो अभी हम रास्ते में, बस थोड़ा सा घंटा, आधा घंटा लगेगा। कुछ मिनट का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे। हम समझा किधर है? हमजा भाई गाड़ी में वो सामान निकालो आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नहाने के बाद हमें धोने पड़ेंगे ना हाथ और मुँह वगैरह, क्योंकि रेत लग जाएगी इस वजह से। अच्छा, वहाँ पर सारी रेत ही रेत है, बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, वो जो भीड़ आए वो सब कुछ जहाँ पे घोड़े मोड़े के बीटा चाहते हैं, घोड़े के ऊपर भी आप लोग सवारी कर सकते हैं, कैमल्स भी हैं और ये गाड़ियाँ भी हैं छोटी फोर व्हीलर। अच्छा। उनके ऊपर सारी चल। और घोड़े वाले कितने पैसे लेते हैं? घोड़े वाले मेरे ख्याल से 100 रुपये एक राउंड का। एक ग्राउंड का, डबल ग्राउंड? डबल राउंड लगाओगे तो 200। अच्छा, 250। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और अब जाते हैं रेत की तरफ और फिर आगे समंदर की तरफ पहुँचेंगे। तो समंदर में जाने में कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट, अगर पैदल जाएंगे तो 15 मिनट लगेंगे। अच्छा, तो जी गाइस, जब हम जा रहे हैं आगे जाएं, चलो चलो
अहमद भी जा रहा है। ये भी है मुस्तफा, मुस्तफा आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? आ रहा कितना मजा आ रहा है। वही 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 मजा आ रहा है आपको? भाग ही था अहमद भी। पाँव रखो, पाँव नीचे जाते हैं मिट्टी के। अच्छा चलो, अब ब्लॉग रुक गया था। अब देखो अब अंधेरा तो नहीं हुआ अभी, अब ठीक है। मैंने कहा थोड़ा हो जाए, अब ठीक है। अभी हम फुल व्यू में हैं और फुल व्यू की तरफ आ चुके हैं। आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर। और यहाँ का मौसम गर्मी है, और जब समंदर आते हैं तो सर्दी हो जाती है, तो समंदर आते हैं तो सर्दी हो जाती है। और क्या कह सकता है, यहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट ऐसा लगता है हम दुबई में आए हुए हैं। ऐसा लगता है हम दुबई में आए हैं। समंदर के साथ आई हुई है सारी रेत, वहाँ से पूरा आके समंदर पूरा था पीछे तक, जो दीवार है ना पीछे तक। अच्छा। उसके साथ आस्ता आस्ता समंदर पीछे जाता गया। अच्छा। फिर ये रेत आ गई सारी, रेत छोड़ के समंदर पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं वो सिर्फ जो वो बड़े बड़े वो लगे हुए हैं ना पोल्स वगैरह, वहाँ सी पोर्ट है, वहाँ जो बड़ी कंटेनर और शिप वगैरह आती हैं वो वहाँ जाके खड़ी होती हैं। फिर वो पक्ष देखे गाइस, ये सारा डेजर्ट है। यहाँ पे देखो चप्पल भी गिरी हुई है, चप्पल तो यहाँ पे मेरे कजन भी आए थे, यहाँ पे मेरे कजन भी आए थे। और कौन कौन आया था? कमरान मामू भी आए थे, अच्छा। हाँ बताने के लिए कितना टाइम लग रहा है हमारी वीडियो? यहाँ पे हैवी बाइक है, हैवी बाइक है, फोर व्हीलर यहाँ पर, फोर व्हीलर है मुझे। बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पर। और गीली मिट्टी शुरू हो गई है, बता रहे चित्ते यहाँ सारी गीली मिट्टी शुरू हो गई है। अच्छा, वो पीछे जो थी ना वो ये पानी वाली रेत है, इसमें पानी वाला थोड़ा। अच्छा, पानी की तरफ जाएंगे, लेकिन पानी सामने आ रहा है। ओह जी, देखे यहाँ पे शल मुझे फर्स्ट टाइम नजर आया है। जब पानी की तरफ जा रहे हैं, ये देखो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं पानी की तरफ। हम घोड़े पे बैठ जाओ, वीडियो बना लो, पिक्चर खिंचवा लो, फिर उतर जाना। अच्छा। इसकी समंदर वो तो आगे से राउंड लेकर आएगा। हां वो कैमरा चला जा सीना, खाली बैठ के तस्वीर बना दो। देखो खाली आओ। डर लग रहा है, पानी आ रहा है। सुनो, कैमरे पे नहीं है, कैमरे पे। अच्छा, आजा 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 बाबा।
फिर आएगा। कैसा समंदर? अच्छा समंदर है। चांद खुल गया चांद। आजा बंद किया पानी। बंद किया फोन बता भाई। ये है अहमद और हमजा पिता को तो बाहर रुका हुआ है और मेरे अहमद हम इस पक में भाग रहा हूँ आके भाग रहा हूँ तो जी गाइस अभी हम टीवी शो हो चुके हैं, नहा लिया है और अभी हम जा रहे हैं। अभी हमें बच्चे पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। दो रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है खाने में और मज़े मज़े के पकवान होंगे। तो अब हम जा के देखते हैं क्या चले। तो जी गाइस हम रेस्टोरेंट आए, वही इतफा भी आ गया अहमद भी आ गया। जी गाइस ये देखिए ये द्वार रेस्टोरेंट हम पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वॉशरूम हाथ धोने के लिए। यहाँ पे देखें ये सारे ये बैठने की जगह पिछावी कल्चर है। ये खाना फुलती है अब मिलता है। ये द्वार रेस्टोरेंट और ये भी है यहाँ पे गोश्त काटते हैं। तो जी गाइस ये देखें ये भी दही भी आ गए। ये दही डाल गए। अभी सारा खाना पड़ा है। ठीक है गाइस खाना आ गया है और ये है खाना। तो खोलो ना खोलो ये है दुम्बे का गोश्त, ये है रोटी, ये है सलाद,
तो अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम बात करेंगे, हम शुरू होने वाले। उनके पास भी खाना है क्या? हमारे पास भी खाना है। तो जी गाइस ये देखिए हमने सारा खाना खा लिया, हमने बहुत मज़ा आया। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? तो मैं यहाँ पे ही ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। ये देख हम दांत पे क्या मार रहा है, ये देख ये मुस्तफ़ा का दांत खराब हो गया। तो जी गाइस ये देखिए आपने सारा खाना देख लिया, और ये हमारी कज़न का खाना रह गया, बाकी सबका खाना ख़त्म हो चुका है। और मेरा और अहमद का खाना हो चुका है, खाना खा लिया। तो अभी हम यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।